आप प्रेम करिए लेकिन अंधे होकर प्रेम मत करिए किसी से। वो लोग जलने से डरते हैं, तो आप उनको जला के मारिए। अच्छा। जिससे डरते हैं उससे मारिए। तो जस्टिस ऐसा होना चाहिए, जिससे आप डरते हैं उससे मारिए। उससे मारेंगे तो दोबारा वो कभी भी ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। इस्लाम के खिलाफ है और आप किसी के 35 टुकड़े काट देते हैं, वो आपके इस्लाम के खिलाफ नहीं है। किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़के लड़की के साथ प्रेम किया और प्रेम करने के बाद उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में काट दिए, ऐसा कोई केस सुना है? आपको अपने धर्म के प्रति जस्टिस चाहिए तो आपको भी देश के प्रति जस्टिस दिखाना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी कहाँ रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी आपने सुना होगा जिस तरीके से श्रद्धा को मार दिया गया, क्या सोचते हैं उसके बारे में? इसके बारे में दो पहलू हैं, दो पहलू बात करते हैं। पहले एक निजी पहलू जो इंसान का खुद का कर्तव्य है उसकी बात करते हैं। आप प्रेम करिए लेकिन अंधे होकर प्रेम मत करिए किसी से, ये एक निजी पहलू हुआ। और दूसरा पहलू जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला, जस्टिस, जस्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जस्टिस मिलेगा तो क्राइम नहीं होगा। और जस्टिस भी ऐसा होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन है वो ये कहते हैं हम मरने से नहीं डरते हैं, हम तो अपने आप की कुर्बानी दे रहे हैं, आप हमको लटका दो मार दो हम नहीं डरते हैं उससे। तो जस्टिस एक ऐसा जस्टिस होना चाहिए कि वो लोग जलने से डरते हैं, तो आप उनको जला के मारिए। अच्छा। जिससे डरते हैं उससे मारिए। बिल्कुल। तो जस्टिस ऐसा होना चाहिए, जिससे आप डरते हैं उससे मारिए। उससे मारेंगे तो दोबारा वो कभी भी ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। नहीं होगी। नहीं होगी। कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है, देश कहाँ जा रहा है, इस्लाम की नहीं, इस्लाम के खिलाफ है और आप किसी के 35 टुकड़े काट देते हैं, वो आपके इस्लाम के खिलाफ नहीं है। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़के लड़की के साथ प्रेम किया और प्रेम करने के बाद उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में काट दिए, ऐसा कोई केस सुना है? कोई नहीं सुनेगा, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। तो जब आपको अगर जस्टिस चाहिए, आपको अपने धर्म के प्रति जस्टिस चाहिए, तो आपको भी देश के प्रति जस्टिस दिखाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं कि वो उससे प्यार करता था, उसका हक था, इसलिए काट दिया उसे। अच्छा, मतलब प्यार करता था तो हक था तो उसने काट दिया टुकड़े, अच्छा ऐसा बोला जा रहा है? तो फिर ये तो बहुत ही घिनौना काम है। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है तो वो किस आधार पे बोल रहे हैं? जब लव जिहाद की था उस पे बोल रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, वो प्यार करता था, उसका मूल को खसका काट दिया उसे। देखो, लव जिहाद है या लव जिहाद नहीं है, ये वही आफ्ताब जो हमारे हैं जो उन्होंने किया वही जान सकते हैं। लेकिन अगर प्यार करता था और काट दिया, ये अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनकी ये बोल रहे हैं तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं? क्या उनकी कुरान पे लिखा है ऐसा कि प्यार करने के बाद काट देना चाहिए?